नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। किसानों का आहित ना कर पाने करने पाई नई व्यवस्था। इसके संपादक हैं आपके सुधीर पनवार, ये लेखक हैं प्रोफेसर एवं उत्तर प्रदेश योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आधे से अधिक जनसंख्या हमारी कृषि पर निर्भर करती है। अभी कोरोना के इस वक्त में, बुरे वक्त में, हमारे देश को अगर बचा पाई है बुरी स्थिति में जाने से, तो आपका कृषि क्षेत्र ही है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जिस देश में कृषि व्यवस्था नहीं होगी, उस समय वहां तो खाने के लाले पड़ गए होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी आयात निर्यात पूरी तरह से हर देश में ठप्प पड़ा हुआ है, तो ना तो कहीं से हम कुछ सामान मंगवा पा रहे थे, ना ही कुछ भेज पा रहे थे। इसमें हमने देखा है कि हमारी फसल ने अच्छा काफी मार्जिन दिया है, यानी कि काफी अच्छी फसल रही है हमारी इस बार। तो इसी से संबंधित आपका आर्टिकल है। और कई राज्यों में तो आप देखते हैं कि 80 से 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। तो कृषि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहता है। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन एवं व्यापार में व्यापक परिवर्तन करने के लिए 2 अध्यादेश जारी करने के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। सरकार का दावा है कि इन कदमों से खेती एवं कृषि व्यापार से सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, जिससे किसानों को फसल उत्पादन के लिए निजी निवेश और उन्नत तकनीक की उपलब्ध होगी। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति की बाध्यता समाप्त होने से किसानों को एक देश एक कृषि बाजार के साथ ही वैश्विक बाजार का लाभ भी मिलेगा। वैश्विक व्यापार संगठन में शामिल होने तथा आर्थिक उदारीकरण के पश्चात विगत 3 दशकों में कांग्रेस एवं भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकारों ने राज्यों से कृषि एवं कृषि व्यापार कानूनों में संशोधन के लिए मॉडल कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 2003, कृषि भूमि पट्टा प्रारूप 2016 एवं अनुबंध खेती प्रारूप 2018 जारी किए थे, जिससे खेती एवं कृषि बाजार में राष्ट्रीय एकरूपता आए तथा निजी पूंजी निवेश के लिए वातावरण तैयार हो सके। लेकिन अलग अलग कारणों से राज्य सरकारों संबंधित कानून में अपेक्षित संशोधन नहीं कर पाई है। 2016 में बरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि उनका सपना है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाए। इस सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए अशोक दलवाई की अध्यक्षता में गठित अंतर मंत्रालयीय समिति ने अनुबंध खेती, राष्ट्रीय बाजार, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन सहित कई अनुशंसाएं की थी। इन्हीं को आधार बनाते हुए मोदी सरकार राज्यों के संभावित विरोध को दरकिनार करते हुए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत समवर्ती सूची में सम्मिलित कृषि एवं कृषि उत्पादन बाजार पर राज्यों का नियंत्रण समाप्त कर राष्ट्रीय एकरूपता लाने के लिए भी के लिए ये अध्यादेश लाई है। याद रखिए, आपकी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, एक केंद्र सरकार की संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, एक संवर्ती सूची। संवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पर दोनों सरकारें, यानी कि राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी, लेकिन इसमें अगर दोनों में विरोध है तो आपका केंद्र सरकार का कानून यहाँ प्रभावी होगा। ठीक है, याद रखिए। किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा अध्यादेश अनुबंध खेती को स्वीकृति देता है। किसान एवं प्रायोजक सेवा प्रदाताओं के बीच 2 प्रकार के अनुबंध की व्यवस्था की गई है। पहली, व्यापार एवं वाणिज्यिक करार के तहत कृषि उत्पाद का स्वामित्व किसान के पास रहेगा। प्रायोजक किसान को पूर्व निर्धारित मूल्यों का भुगतान करना है करेगा। दूसरी, उत्पादन करार के तहत फसल उत्पादन में निवेश प्रायोजक करेगा तथा जोखिम एवं स्वामित्व भी उसका ही होगा। वह किसान को उसकी सेवाओं के बदले में पूर्व निर्धारित भुगतान करेगा, यानी कि नुकसान हो तो उसी का, किसान इसमें नुकसान नहीं झेलेगा। अध्यादेश में अनुबंध खेती के 2 विवादित विषयों उत्पाद की गुणवत्ता एवं मूल्यों के संबंध में भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। उपबंध 4 में प्रावधान है कि फसल तैयार होने एवं सुपुर्दगी के समय गुणवत्ता एवं ग्रेड एवं मानकों की निष्पक्ष जांच के लिए अर्हता प्राप्त परीक्षक नियुक्त होगा। इस व्यवस्था की सफलता संदिग्ध है और क्योंकि निष्पक्षता एवं अहर्ता पर किसान एवं प्रायोजक के अलग अलग मत होंगे। इस विवाद से बचने के लिए आवश्यक है कि प्रायोजक किसान से संपूर्ण उत्पाद खरीदें तथा अपने स्तर पर ग्रेडिंग करें। उपबंध 5 में
व्यवस्था है कि किसान को उसकी फसल की कीमतों का एक भाग गारंटीड कीमत के रूप में मिलेगा तथा कुछ भाग एपीएमसी में मिलने वाली कीमतों के आधार पर होगा। इस प्रावधान की लागू होने में भी कुछ व्यवहारिक समस्याएं होंगी। अनुबंध के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुबंध खेती में मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण प्रायोजक समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती अनुबंधित है। चीनी मिल एवं किसान के बीच करार होता है। किसान निर्धारित समय एवं मूल्य पर गन्ने की आपूर्ति करेगा और चीनी मिल उसे 14 दिन में भुगतान करेगी। भुगतान न करने पर 15% ब्याज देगी। अगर समय पर भुगतान नहीं होता है तो 15% का उस पर ब्याज देगी। इस करार में सरकार के पक्षकार होने के बावजूद भी चीनी मिलें करार की शर्तों का पालन नहीं करती हैं। पिछले कई वर्षों में किसानों का चीनी मिलों पर हजारों करोड़ का रुपए का भुगतान बकाया रहता है, उस पर ब्याज भी नहीं मिलता है ने। मतलब जो ऊपर से दिख रहा है वो नीचे लागू ही नहीं है। ठीक है। कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सहायता अध्यादेश मंडी एवं व्यापार से संबंधित है। इसमें व्यवस्था है कि कोई भी पैन कार्ड धारक किसानों से उसकी उपज खरीद सकता है, देश में कहीं भी उसका भंडारण एवं विक्रय कर सकता है। इसके लिए उसे किसी टैक्स का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधित में कुछ परिस्थितियों को छोड़कर कृषि उत्पादों को स्टॉप सीमा से मुक्त कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कृषि निर्यातकों एवं बाजार को स्थापित देना है। यह एक तथ्य है कि रिकॉर्ड उत्पादन और सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है। इसी कारण केंद्र को पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू करनी पड़ी। स्पष्ट है कि 86.2% लघु एवं सीमांत किसान कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण बाजार में सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं होंगे। उन्हें उनकी की सीमित उपज की बिक्री एवं उचित लाभ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं भावांतर जैसी योजनाओं की आवश्यकता रहेगी। और आप समझ सकते हैं कि अब शायद 2022 तक किसानों की आय दुगनी होने में बहुत मुश्किल आएगी, बहुत समस्याएं आएंगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बुरी तरह से किसान प्रभावित हुए हैं। और याद रखिए, कोरोना की इस महामारी में किसान ही हैं जिन्होंने हमारा सबसे ज्यादा साथ दिया है, क्योंकि आप समझिए कि अगर इसमें फसल भी चौपट हो जाती तो हमारा देश कहाँ किस स्थिति में पहुंच जाता, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बहुत हद तक हमारी मदद किसानों ने, यानी कि खेती ने दी है, फसलों ने। ऐसे में यह आवश्यक है कि कुछ समय के लिए कृषि बाजार की नई एवं पुरानी व्यवस्था साथ साथ चले। भारत की जनसंख्या की 61.5% किसानों एवं लगभग 26 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक कृषि व्यापार में लगे लाखों व्यापारियों को प्रभावित करने वाले इन अध्यादेशों पर सार्वजनिक चर्चा नहीं हो पाई। कई क्षेत्रीय दल इन अध्यादेशों के प्रावधान का विरोध करते रहे हैं। आशा है कि विस्तृत प्रावधान बनाते समय सरकार किसानों और इन दलों से चर्चा करेगी, जिससे किसानों के हितों से समझौता ना हो। तो ये था आपका किसानों से संबंधित मुद्दा। ठीक है, याद रखिए जो भी आर्टिकल हुआ करेंगे उसमें ना तो हमारे शब्द हैं और ना ही आपके शब्द हैं, और सामने वाला क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है गलत बोल रहा है, यही आपको पकड़ना है, यही आंसर राइटिंग में डालना है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो सरकार के विरोध में राइटर होते हैं वो हमेशा ऐसा आर्टिकल लिखेंगे जिसमें सरकार की बुराई देखेंगे, और जो सरकार के पक्षधर होते हैं वो सरकार का मतलब सरकार की तरफ से बोलते हुए देखेंगे। तो आपको दोनों का बीच का रास्ता पकड़ना है और लिखना है। ठीक है,